आपको मूंग दाल के पकौड़े बनाना सिखाएंगे। इसके लिए मैंने ये भीगी हुई मूंग दाल ली है, ये मैंने 6-7 घंटे पहले भिगो दी थी, तो अब इसका पानी हमने निकाल दिया है। और एक कटोरी कटे हुए प्याज है, लहसुन अदरक का पेस्ट, कटा हुआ धनिया, कटी हुई हरी मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, जीरा, हींग पाउडर और चाट मसाला, हमें ये चीजें पकौड़े बनाने के लिए चाहिए। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो हमारी दाल है भीगी हुई, इसको हमने ग्राइंडर में डाल के इसकी पेस्ट बना लेनी है। अब ये दो दाल है, ये एक कटोरी दाल थी मैंने भिगोई थी 6-7 घंटे पहले, इसको हम अब ग्राइंड करके इसकी ज्यादा पतली नहीं करेंगे, दरदरी पेस्ट बना लेंगे। ये दाल हमने ग्राइंड कर ली है और इसकी ये पेस्ट बन गई है, तो ये ज्यादा स्मूथ नहीं किया मैंने, ये थोड़ी दरदरी बनाई है, तो इसको हम ग्राइंडर से पहले सारी बाहर निकाल लेंगे। अब इसमें हम कटे हुए प्याज डाल देंगे, धनिया डाल देंगे, हरी मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए, मैंने ये 3 मिर्च काटी है, आप अपने हिसाब से डाल दीजिए जितनी आप खाते हो। ये हमारी अदरक लहसुन की पेस्ट है, इसका 1 चम्मच हम डालेंगे। अब हम नमक भी अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे, जितना आप नमक अपने हिसाब से डाल लीजिए, मैं इसमें 1 चम्मच डाल रही हूँ। लाल मिर्च थोड़ी डालेंगे क्योंकि हमने हरी डाली है, तो इसमें 1/2 चम्मच मैंने लाल मिर्च का डाला है। हल्दी हम कलर के लिए डाल रहे हैं, ये इससे थोड़ा कलर अच्छा आ जाएगा। हींग पाउडर भी हम बिल्कुल 1 पिंच के हिसाब से डालेंगे, इतनी हम हींग डाल देंगे इसमें। और 1 चम्मच हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। अब सारे मटेरियल को हम डाल के इस तरह मिक्स कर लेंगे आप उसमें, ये अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है पहले। इसमें हम थोड़ा सा जीरा भी डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये अब थोड़ा सा हमें बैटर थोड़ा थिक है, ये हल्का सा इसमें 2 चम्मच पानी के डाल के इस बैटर को हम थोड़ा आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करके 5-7 मिनट के लिए ऐसे रख देना है, उसके बाद हम पकौड़े बनाएंगे इसके। इस बैटर को 5-6 मिनट हो गए हैं ऐसे रखे हुए, तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो मैंने ये पैन में ऑयल चढ़ाया है, तो ऑयल अब देखने के लिए थोड़ा सा डाल के देखेंगे। हाँ, ये ऑयल अब रेडी है पकाने के लिए। अब इसको हम 2 चम्मच लेके इस तरह निकालेंगे, 1 चम्मच में हम इस तरह डाल के अपने छोटे छोटे डालने, ज्यादा बड़े नहीं डालने, क्योंकि ये मूंग दाल के हैं तो क्रिस्पी होने चाहिए, ज्यादा बड़े कर दोगे आप तो क्रिस्पी नहीं होंगे ये। इस तरह आपने 8-10 पकौड़े इसमें फ्राई करने के लिए डाल देंगे। आपने इस तरह 1-2 स्पून से डालने, क्योंकि ये फिर अच्छी तरह गोल हो जाएंगे। अब हमने इस तरह इसमें 8-10 पीस डाल दिए हैं, तो एक साइड से अब अच्छी तरह ब्राउन होने देंगे, फिर हम इसको पलटी करेंगे। अब हम इसे पलटी कर देंगे। आपने इसको ज्यादा तेज आंच पे नहीं पकाना, थोड़ा मीडियम आंच पे पकाएंगे, क्योंकि अगर ज्यादा तेज पे पकाओगे ऊपर से तो ये ब्राउन हो जाएंगे, अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, तो आपने इसे अच्छी तरह क्रिस्पी करना है। अब हम इसे अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, ज्यादा ब्लैक नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े ब्राउन करेंगे। अब इसमें कलर आ गया है वैसे तो, थोड़ा सा और कर लेंगे। ये अब बन गए हैं पकौड़े, बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब इनको हम निकाल देंगे। ऑयल आपने अच्छी तरह हटा देना है इसका, 2-3 बार आप इस तरह इसको छान दीजिए। तो इस तरह आप बाकी के पकौड़े फ्राई कर लीजिए। तो अभी हमारे पकौड़े बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।